हेलो एवरीवन वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वन ट्रिपल जीरो जो आज की डेट यानी कि नाइन्थ अक्टूबर को ये जो एग्जाम था इसको हम एक गो में फटाफट डिस्कस करेंगे डिस्कशन uh, में क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त हाउ एवर एवरी केयर इज़ वेन टेकन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई एम्बिगिटी है सो प्लीज़ शेयर योर आउटस्टैंडिंग ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन सो लेट एस नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन अ डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर ओवर एन एनालॉग कंप्यूटर यानी कि डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से बेहतर है बट एक रीज़न है जिसकी वजह से यह बेहतर नहीं है वो है ऑप्शन डी कॉस्ट यानी कि कॉस्टली होता है द बेसिक यूनिट विद इन अ कंप्यूटर दैट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग सिंगल यूनिट ऑफ डेटा ये है स्टोरेज लोकेशन हार्ड ड्राइव जो है यानी कि हार्ड डिस्क एंड ड्राइव्स हैं वो होती हैं इन साइड द सिस्टम बेस्ट यूनिट यानी कि जो कैबिनेट होता है कंप्यूटर का उसके अंदर है मशीन साइकिल रेफर टू चौथा क्वेश्चन है फैच डिकोड एंड एग्जीक्यूट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एफ डी यानी कि फैच डिकोड और एग्जीक्यूशन इसका आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन इज अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डी एम पी ये इंपैक्ट प्रिंटर है एंड इज एन आउटपुट डिवाइस अ मेमरी दैट कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली वाई सी पी यू वो है एक्सटर्नल मेमोरी क्योंकि सीपीयू के साथ जो बाकी मेमोरीज दे रिमेन ऑलवेज इन कांटेक्ट विद सीपीयू तो एक्सटर्नल मेमोरी जरूरी नहीं है कि लाइव ही रहे हमेशा सीपीयू के साथ सो so मेरे अकॉर्डिंग इट मस्ट बी ऑप्शन बी द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सेवेंटी वन यानी कि सेवनटी वन डेसीमल का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा ऑप्शन डी वन ट्रिपल ज़ीरो वन 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 और एडिशन दिया है इन्होंने वन ज़ीरो बाइनरी और ज़ीरो वन बाइनरी इसका होगा ऑप्शन सी वन वन बाइनरी बिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर वॉट टू डू एंड हाउ टू डू यानी कि कंप्यूटर को क्या चीज़ें इंस्ट्रक्ट करती है कि कौन काम कैसे करना है वह है सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली अटैक्स एन एंटी वायरस प्रोग्राम वो होता है रेट्रो वायरस यानी कि एंटी वायरस पे ही अटैक जो वायरस करता है दैट इज द रेट्रो वायरस बाकी तो ये जो वायरस हैं बॉम्ब हैं ये तो किसी फाइल या प्रोग्राम को अफेक्ट करते हैं बट पर्टिकुलरली एंटीवायरस को अफेक्ट करने वाला प्रोग्राम इट इज़ अ रेट्रो वायरस एंड असेंबली लैंग्वेज के बारे में इन्होंने कहा कि ट्रू क्या है देखो ट्रू ये है कि इट इज़ नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बट इन्होंने दिया है इजी टू अंडरस्टैंड ये फॉल्स होगा बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट अ मशीन डिपेंडेंट क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट है है ना ट्रांसलेशन तो इसको भी चाहिए रहेगी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेज या yeah, ये हो सकता है कि ट्रू है असेंबली लैंग्वेज के बारे में एंड विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज बाय मैक इन टोश कंप्यूटर यानी कि एप्पल के जो कंप्यूटर हैं उनमें मैक होता है एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डॉस की कमांड इन्होंने पूछी हुई है कि डिस्क को अगर नाम करना है जैसे कोई लोकल डिस्क सी है डी है उनको लेबल करना है उनके लिए नेम देना है वो डिस्क लेबल से होता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इन एम एस विंडोज़ नोटिफिकेशन एरिया इज अ फीचर ऑफ विच बार नोटिफिकेशन टास्क बार में आ, या टास्क बार में आप विंडोज़ के डेस्कटॉप के बॉटम में देखेंगे तो उसके बॉटम राइट में टाइम और डेट के साथ एक बेल सी बनी होती है नोटिफिकेशन आइकन जिसे शो होता है तो टास्क बार इसका करेक्ट आंसर है 64 बिट विंडोज़ का 32 बिट विंडो पे क्या बेनिफिट है ऑफ कोर्स है जो 64 फोर बिटो बिट है सपोर्ट्स मोर मेमरी इन एम एस वर्ड यूज़र कैन यूज़ विच बटन टू कैंसिल लास्ट एडिटिंग कैंसिल का मतलब होता है अन डू रिपीट मीन्स रिडू तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए वट हैपन इफ यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एफेट ये रेक्टेंगुलर सेलेक्शन एक्टिवेट करने का शॉर्टकट है ये और जैसे आप पेज मेकर या फोटोशॉप में सेलेक्शन करते हैं ना रेक्टेंगुलर उसके लिए ये शॉर्टकट है और एक्सेल का पूछा है उन्होंने कट कॉपी पेस्ट ये एडिटिंग के अंडर आते हैं एडिट का मतलब होता है कट कॉपी पेस्ट फाइंड सर्च एंड रिप्लेस फॉर्मैट मीन्स बोल्ड आईटेलिक अंडरलाइन वगैरह कलर्स वगैरह नाइनटीन क्वेश्चन है क्योंकि मैं रश में इनको सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ा सा क्विक हो सकता है डिस्कशन नहीं होगी ज़्यादा डिटेल में नाइनटीन्थ क्वेश्चन सेज इन एम एस एक्सएल विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप अ सीरीज ऑफ नंबर मतलब नंबर्स को ऑटोमेटिकली एड करने के लिए ऑटोसम का बटन होता है एमएस एक्सेल में एफ फाइव क्या है एफ फाइव क्या है एफ मीन्स कॉलम का नाम फाइव है रो का नाम कॉलम एफ रो फाइव सेल एड्रेस है ये बेसिकली इन एम एस एक्स द रिजल्ट ऑफ अ फॉर्मूला इन अ सेल इज द डिस्प्लेड वैल्यू कुछ वैल्यू भी बच्चों ने किया होगा एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी सेल पे फॉर्मूला लिखते हैं एंटर हिट करने पे वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है डबल क्लिक करेंगे तो वह फॉर्मूला दिखेगा तुम्हें राइट right. ट्वेंटी थर्ड सेकेंड इज़ फंक्शन दैट कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यू इन टू पॉजिटिव वैल्यू ये एब्सोल्यूट होता है एब्सोल्यूट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टेन माइनस फिफ्टीन आपने एब्सोल्यूट करना है तो वो फाइव आएगा आंसर पॉजिटिव में हालांकि इसका आंसर तो नेगेटिव आना था क्योंकि फिफ्टीन बिगर है तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होती हैं विच इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन करंट वर्कबुक इन एक्सेल इट इज ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट और एफ वन से नई शीट ऐड हो जाती है इन एमएस पावर पॉइंट स्विच टू प्रिंट मोड लेवर पॉइंट विच ऑफ दोवाइड प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन सिंपल सी बात है कि प्रेजेंटेशन की मल्टीपल प्रिंटेड कॉपी ऑडियंस हैंड आउट यह है कि पूरी प्रेजेंटेशन की आपकी मल्टीपल कॉपीज एक ही पेज में आ जाएंगी एंड टू स्टार्ट स्लाइड शो वन मस्ट प्रेस एफ फाइव की विच कमांड इन एम एस पावर पॉइंट ब्रिंग्स यू द यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन यानी कि आप ने स्लाइड शो बनाया आप टेंथ स्लाइड में हैं आप किस किसे फर्स्ट स्लाइड पे जंप करोगे वो है कंट्रोल होम ऑप्शन सी व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन बार इन पावर पॉइंट ये है से ओपन होता है प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर देखिए प्रोसेस्ड डेटा हमेशा इंफॉर्मेशन होता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वेन बिल्डिंग डेटा बेस तीस क्वेश्चन पे द डेटा डीलिंग विद एन एंटिटी मॉडल्ड एज इट इज क्लास डेटा में जो कस्टमर का फोन नंबर है वो फील्ड है है ना रिकॉर्ड होता है पूरी रो को बोलते हैं रिकॉर्ड फोन नंबर तो एक कॉलम है ना तो देअपोर इट मस्ट बी ऑप्शन बी राइट और 32 में लिखा इन्होंने कि एम एस एक्सेस की कौन सी प्रॉपर्टी है दैट हेल्प्स यू टू सेट वैलिडेशन वैलिडेशन होता है एक तरह का रिस्ट्रिक्शन अगर आप किसी डाटा में आ, मतलब किसी कॉलम के अगेंस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वैलिडेशन रूल से वैलिडेशन अप्लाई होते हैं थर्टी थर्ड पे वॉट डेटा माइन अ टेबल्स सॉट ऑर्डर इन एम एस एक्सेस मुझे लगता है कि ये आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑटो नंबर फील्ड भी हो सकता है कि सॉर्टेड ऑर्डर में आपका जो डाटा आ जाएगा ठीक है एंड फील्ड ऑर्डर से भी सेलेक्ट हो सकता है बट uh, इसकी फाइनल आंसर की का वेट कर लेते हैं थर्टी फोर्थ है व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड एज अ कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क सबसे ज़्यादा प्रिंटर शेयर होते हैं अ ट्री टॉपोलॉजी कंटेन्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ येस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो ट्री टॉपोलॉजी है उसमें स्टार और बस के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी कि ऑप्शन ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर थर्टी सिक्सथ है हाउ मेनी बिट्स आर देर इन इथरनेट एड्रेस इसमें फोर्टी एट बिट्स होते हैं एंड थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन विच लेयर ऑफ ओ एस आई डाटामाइन द इंटरफेस ऑफ सिस्टम विद यूजर इट इज़ या एप्लीकेशन लेयर बहुत ईजी है अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस वेब पेज ओपन होते हैं ना वेबसाइट्स राइट right. एंड वी कैन डिफाइन अ प्रोटोकॉल एज अ सेट ऑफ रूल्स Which टर्म इज़ एसोसिएटेड विद इंटरनेट या email, email ई से रिलेटेड या बुक मार्क विच इज़ यूज बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट द लोकेशन ऑफ इंटरनेट रिसोर्स सिंपल सी बात है जो ब्राउजर है वो किस चीज़ का यूज करता है इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए आप सपोज करो इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो ब्राउजर को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि उस चीज़ का एड्रेस चाहिए होता है वेब एड्रेस बोलते हैं यू को डैश फुलफिल्स द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट यानी कि ब्राउजर की रिक्वेस्ट वेब सर्वर फुलफिल करेंगे फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर एमएस ऑफिस में तो एम एस वर्ड ही है है ना एंड डिफॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इज ये होता है लेटर और लेटर का जो साइज होता है वो एट पॉइंट फाइव बाई इलेवन पॉइंट्स का होता है इन एम एस वर्ड द वे टेक्स्ट अपियर ऑन अ पेज इज कॉल्ड ये होता है उसका फॉर्मेट कि किस तरीके से या किस वे में आ रहा है उसकी लेआउट उसकी लुक हाउ मेनी अलाइनमेंट्स आर देयर इन एस वर्ड लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड चार तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं राइट एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रिटन इन इंग्लिश वर्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड उनको बोलते हैं हम निमोनिक कोड फर्मवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डैश मेमोरी इट मस्ट बी हार्डवेयर मेमोरी क्योंकि चिप में इंस्टॉल्ड होते हैं ये फॉर्म फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर ही होते हैं ये बाकी एच का जी है इसे फिर डिस्कस करेंगे 109 के बाद अब डिस्कस करते हैं सी इज़ अ सी है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज राइट हाउ मेनी वाइट स्पेस कैरेक्टर आर अलाउड इन सी लैंग्वेज ये पाँच हैं जैसे कैरिज रिटर्न वगैरह वगैरह टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड यूनिक्स सी लैंग्वेज में लिखा गया है यानी कि यूनिक्स की डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे जो कोड्स हैं कुछ कोड्स हैं वो सी में इंट्रोड्यूस हुए थे ठीक है इसका आंसर बी होगा विच टैग डिफाइंस द एच टी एम एल डॉक्यूमेंट बॉडी वो बॉडी टैग से ही डिफाइन होता है एच टी एम एल के इन्वेंटर कौन हैं वो हैं टीम बर्नर्सली इनको डब्ल्यू 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 का इन्वेंटर भी कहते हैं इसलिए कहते हैं ना कि क्योंकि इंटरनेट को डब्ल्यू 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 में इन्होंने ट्रांजिट किया था वेब पेज से ही वो ट्रांजिशन हुई थी तो वेब पेज किससे बनते हैं एच से वन फोटीन एच टी एम एल टैग विद नो कंटेंट उनको बोलते हैं एम टी टैग्स या अनपेयर्ड टैग्स कहते हैं इनको राइट right. पेयरिंग की जरूरत नहीं ना पड़ती है एम एस वर्ड से क्या होता है टेक्स्ट डिजाइन होता है और या ऑप्शन डी ही इसका सही होगा ऑफिस बटन इज सिंबोलाइज विद विच फीचर ऑफ एम एस वर्ड रिबन फीचर क्विक एक्सेस टूल बार इज़ प्रेजेंट एट डैश ऑफ द ऑफिस बटन देखो ऑफिस बटन होता है बिल्कुल लेफ्ट में ट्वेंटी या टू थाउजेंड वर्ड में आप देखेंगे बिल्कुल लेफ्ट में होता है उसके राइट में होगा आपका क्विक एक्सेस टूल बार इसमें वो टूल्स होते हैं जो ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं हाउ मैनी टैब्स आर देयर इन द रिबन ऑफ एम एस वर्ड उसमें आठ है ट्वेंटी ज़ीरो सेवन और ट्वेंटी ज़ीरो टेन की बात कर रहा हूँ मैं बाकी जो लेटेस्ट हैं उनमें तो ज़्यादा दो या तीन और टैब्स ऐड हुई हैं वन नाइनटीन पे है विच ऑफ़ द फॉलोइंग टैब इज़ डिफ़ॉल्ट एम एस वर्ड यानी कि एम एस वर्ड को जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले किस टैब के जो ग्रुप्स हैं वो हाईलाइट होंगे वो है होम टैब के बीच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज इन एम एस वर्ड टू एड द डॉक्यूमेंट साइटेशन साइटेशन तो रेफरेंस से ही ऐड होती है साइटेशन का आपको पता होगा कि कुछ रेफरेंसेज ऐड करने के लिए यूज होता है वन ट्वेंटी वन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ले आउट टूल इन एम एस वर्ड ये कुछ अजीब सा है क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है ले आउट टूल लेआउट टैब के इनमें से कोई भी टूल्स नहीं है है ना तो कमीशन क्या इसका आंसर करता है तो यू मस्ट वेट फॉर द आंसर आप इसके लिए ग्रेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं डैश विद इन पैराग्राफ विल सेलेक्ट एंटायर पैराग्राफ यानी कि आप पैराग्राफ के बीच में अगर ट्रिपल क्लिक करोगे ना तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है वट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल बहुत ईजी कंट्रोल ए विच ऑप्शन इज करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट सेव ऐसे भी करते हैं हम सेव से भी कंट्रोल ऐसे भी ऑल ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली काउंटेड इन एम एस वर्ड एम एस वर्ड में क्या चीज़ें काउंट होती है टोटल वर्ड भी टोटल करेक्टर भी पेज भी ऑल ऑफ दीज वॉट डज जस्टिफाई ऑप्शन डू इन एम एस वर्ड यानी कि जस्टिफाइड अलाइनमेंट से क्या होता है टेक्स्ट लेफ्ट और राइट मार्जिन की एग्जैक्ट बीच में आता है और दोनों साइड स्मूद होती हैं वन ट्वेंटी सेवन वट इज़ द डिफॉल्ट पेपर साइज अभी मैंने थोड़ी देरी पहले बताया था इट इज़ एट पॉइंट फाइव बाई इलेवन राइट नेक्स्ट करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप बॉर्डर कैन बी एडिड इन एम एस वर्ड इसमें आप ग्रेस मांग सकते हैं वन ट्वेंटी एट में देखो कलरफुल बॉर्डर होता है पिक्चर होता है बट टेक्स्ट वाला बॉर्डर मुझे नहीं लगता है ये होता है तो इनके हिसाब से तो ऑल ऑफ दिस ये कीमें देंगे बट मुझे लगता है कि इसकी ग्रेस आपको मिलनी चाहिए विच इज़ हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओ का जो कोर होता है वो कर्नल होता है जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट होता है वो कर्नल इसको हार्ट भी कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स लाइब्रेरीज एंड रिलेटेड डेटा इसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर राइट वन थर्टी में विच मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी इसमें कैशे होती है सी पी और मेन मेमरी यानी कि रैम के बीच में कैश मेमरी है वाई डू वी नीड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मुझे तो नन ऑफ डीज लग रहा है देखते हैं कि कमीशन क्या आंसर देता है इसका या द अकरेंस ऑफ डेड लॉक कैन बी डेट अ बाय द ये भी मुझे अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है देखो डेड लॉक सिचुएशन तब अराइज होती है जब मल्टीपल या कॉन्करेंट प्रोसेसेस या जो कॉमन या अलग अलग प्रोग्राम्स एक ही रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं और वो रिसोर्स को किसी कोई और प्रोग्राम शेयर कर रहा है तब डेड लॉक सिचुएशन होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए एल्गोरिदम्स होती हैं तो मुझे इस पर भी डाउट ही लग रहा है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर काउंट फंक्शन द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इन टू विच यू एंटर डेटा आप एक्सेल की शीट में सेल में डेटा एंटर करते हैं हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट देखो ट्वेंटी जीरो सेवन और ट्वेंटी टेन में शीट्स मिलेंगी आपको तीन बाकी जो लेटर वर्जन हैं या लेटेस्ट वर्जन हैं उनमें एक ही शीट मिलेगी विच वन इज नॉट अ फंक्शन इन एम एस एक्सएल ए बी जी नहीं है सिक्वल में है ये ए बी जी एवरेज के लिए बट एक्सएल में ए बी ई आर ए जी ई करके है एवरेज बाकी तो ये सारे फंक्शनस हैं सीरीज़ अगर आपने फिल करनी है क्विकली तो ऑटो फिल से होती हैं सीरीज़ वन थर्टी नाइन विच ऑप्शन क्रिएट्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ इन एम एस एक्सेस वैसे तो ऑप्शन डी मुझे लग रहा है ड्रॉप डाउन कॉम्बो या लिस्ट जो क्रिएट होती हैं एंड वन फोटी सेज द कॉलम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉलम को फील्ड बोलते हम एट्रीब्यूट्स बोलते हम ठीक है या विच फीचर डोमेन भी बोलते हैं न फोर्टी वन में विच फीचर ऑफ एम एस एक्सेस इज यूज टू डुप्लीकेट कंट्रोल्स फॉर्मेटिंग ये फॉर्मेट पेंटर है खाली पेंटर नहीं है यानी कि फॉर्मेटिंग को डुप्लीकेट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर होता है फॉर्मेट पेंटर सिर्फ सिर्फ फॉर्मेट्स को कॉपी करता है राइट वन फोर्टी टू में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल देखो नया टेबल डिजाइन भी उनसे भी बनता है डायरेक्ट एंटर करने से भी

देखो रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट नहीं है बाकी तो क्वेरीज और टेबल्स ये तो डेटाबेस के पार्ट्स हैं जो ओवरऑल डिज़ाइन होता है डेटाबेस का उसको स्कीमा कहते हैं ऑप्शन सी इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन अच्छा जो प्रोसेस है इसके आ, इसका अपना एक एड्रेस स्पेस होता है ग्लोबल वेरिएबल होता है ये ऑल ऑफ दीज फाइल की लिस्ट का जो रेफरेंस है वो होता है पेंडिंग अलार्म सिग्नल या सिग्नल हैंडलर्स होते हैं तो ऑल ऑफ दीज 147 फोर्टी सेवन द मेन मेमरी एकोमोडिएट्स मेन मेमरी में तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे बड़ी बात क्या है देखो बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है बूटिंग के दौरान मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है कोडिड इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं हम कहते हैं कोडेड इंस्ट्रक्शन को सेट ऑफ कोडिंग या लिस्ट ऑफ़ दिखाना लिस्ट ऑफ मीन सेट ऑफ तो वो प्रोग्राम्स है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है लाइट पेन और जो एस इनपुट डिवाइस हैं एस वेब सर्वर कौन सा है इसमें तो ऑप्शन नहीं है. अच्छा अपाचे है ना ये जो ल्यूसेने है ये अपाचे का ही एक पार्ट है बट सर्च इंडेक्सिंग के लिए यूज़ होता है ये बाकी फेडोरा लिनिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है पॉल एक लैंग्वेज है है ना विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासीफाइड एज अ लो लेवल देखो असेंबली लैंग्वेज को ही बोला जाता है लो लेवल क्योंकि इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मशीन लैंग्वेज ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है वट इज़ अनदर नेम फॉर प्रोग्रामेबल चिप को बोलते हैं रोम कहाँ है येस एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान इसमें चीज़ें लोड होती हैं ना प्रोम में तो आप बाद में भी लोड कर सकते हैं फिर हटा सकते हैं फिर ऐड कर सकते हैं सो so, मेरे अनुसार इसका आंसर बी होना चाहिए हंड्रेड परसेंट वट इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ पर्टिकुलर सिस्टम तो वो पासवर्ड लगाएंगे तभी तो रिस्ट्रिक्शन होगी है ना माइक्रो प्रोसेसर एज अ स्विचिंग डिवाइस बिलोंग्स टू विच जनरेशन ये फोर्थ जनरेशन में हुए थे वी एल एस आई सी ठीक है तभी तो साइज छोटा हो गया था माइक्रो यू की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस किधर है किधर है ऑप्शन बी यस विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप क्या नहीं है पेजमेकर ऐप है फोटोशॉप ऐप है विनवर्ड एक्स पी ऐप है विंडोज एंटी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है सो so, ये ऐप नहीं है ये ओ एस है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बाकी ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इंटरनेट से रिलेटेड क्या है वेबसाइट का एड्रेस बाकी ये प्रिंटर है ये तो कुछ अलग ही चीज़ें दी हैं इन्होंने वन फिफ्टी एट में विच टूल बार इज़ यूज टू चेंज द फ़ोन फोन साइज कलर ये फॉर्मेटिंग टूल बार किधर फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है बोल्ड आइटैली अंडरलाइन करना कलर चेंज करना पेंटियम प्रोसेसर है ओके जैसे इंटेल है क्वालकम है वैसे पेंटियम भले ज़माने का एक प्रोसेसर की सीरीज़ थी ए टी एम ये वो मशीन वाला ए टी एम नहीं है है ना बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ए टी एम नेटवर्कस मीन्स ट्रांसफ़र मोड ये सेल स्विचिंग टेक्नोलॉजी होती है ये मुझे लगता है ये कनेक्शन ऑरिएटेड है नेटवर्क से रिलेटेड टर्म है 161 सिक्सटी वन द इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल इज नोन एज इंटरनेट की तो टी सी पी आई पी है बाकी पीयर टू पीयर ये यूजनेट के लिए होती है प्रोटोकॉल यानी कि न्यूज़ ग्रुप्स के लिए ये मेल के लिए इंटरनेट के लिए टी सी पी आई पी एक ब्रॉडली दिया है ना उन्होंने पूरा इंटरनेट जिसमें सारी चीज़ें आएंगी तो ये मास्टर ये बड़े लेवल की है नेटवर्क ऑफ नेटवर्कस इज़ कॉल्ड इंटरनेट कितने ईजी क्वेश्चन हैं इनर कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर की जो अंदर का जो जिस जिससे सिग्नल जाता है यानी कि जो मेन थ्रेड है वो ग्लास स्ट्रैंड होते हैं जिनको ग्लास और प्लास्टिक से जो बने होते हैं ताकि लाइट ट्रेवल कर सके विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिवाइस कॉपीज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन इथरनेट टू अनादर यानी कि रिपीटर का, का काम होता है ये फोर बाइट आई पी एड्रेस कन्सिस्ट ऑफ फोर बाइट का मतलब बत्तीस बिट का क्या होता है आईपी एड्रेस होता है जिसमें दोनों होते हैं एक पोर्शन नेटवर्क को बताता है दूसरा पोर्शन होस्ट को अब कितना पोर्शन 32 बिट में नेटवर्क का है कितना होस्ट का है वो तो क्लासेस से पता लगता है वीडियोस आप आईपी एड्रेसेस पे आप देखो ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस किए हैं मेरी अर्लियर वीडियोज़ में अब चेक कीजिए विच रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क टॉपोलॉजी कहते हैं कौन सी टॉपोलॉजी सेंट्रल कंट्रोलर और हब रिक्वायर रहता है यानी कि सेंट्रल नोड से सारे कनेक्ट होंगे वो तो मुझे लगता है कि इट मस्ट बी स्टार टॉपोलॉजी है ना तभी तो स्टार बनेगा टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल सोर्ट विच पोर्ट नंबर इज आइडेंटिफायर एट द या विच पोर्ट नंबर नहीं पूछा इन्होंने इन्होंने पूछा है कि टी सी पी आई पी की किस लेयर में पोर्ट नंबर आइडेंटिफायर होता है मुझे लगता है कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है ऑप्शन बी राइट विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर लीनियर होते हैं क्यू है स्टैक है एरे हैं ये लीनियर वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम मेमरी मेक्स इट नॉट सूटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज क्योंकि ये वोलेटाइल है राइट पावर सप्लाई कट इट मीन्स सारा डाटा डिलीट हो जाएगा डिलीट हो जाएगा तो परमानेंट कैसे रहेगा ऑप्शन सी 171 सेवेंटी वन द सर्कट यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ डाटा फ्लिप फ्लॉप बिट मीन्स जीरो वन ऑन हाई वोल्टेज लो वोल्टेज है ना विच ऑफ द फॉलिंग इज लोएस्ट इन मेमरी हायर की रजिस्टर सीपी यू के अंदर होते हैं सबसे फास्ट फिर कैशे फिर रैम फिर सेकेंडरी मेमरी राइट कैशे मेमरी रैम और सीपी यू के बीच में होती है इंटरमीडिएटरी है ना द सर्कट कन्वर्टिंग बाइनरी डेट एन टू डेसिमल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइनरी को डेसीमल में कोड कन्वर्टर सर्कट होते हैं कोड कन्वर्टर सर्किट होना चाहिए था यहाँ पे दिन ये सर्किट द बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अट बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज समझ आती है. है ना यानी कि सिग्नल ही समझ आते हैं विच डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटिंग टेक्स्ट ऑप्टिकल करेक्टर रिकगनीशन या रिकगनाइजर जो बैंक के चेक्स होते हैं ना प्रिंटेड टेक्स्ट को डायरेक्ट रेंडर करता है रीड करता है जो बग होते हैं वो लॉजिकल एरर होते हैं प्रोग्राम में याद रखिएगा अगर आप सिंटेटिकली एरर करोगे वो बग थोड़ी ना होगा वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा आप बग आप, मीन्स आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है बट वो अनडिज़ायर्ड रिज़ल्ट दे रहा है इट हैपन्स ड्यू टू इफ लॉजिकल एरर अकर्स राइट 179 में इन्होंने एक अगेन एरर के बारे में पूछा है एन एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर कंपाइलर जिन एरर को पॉइंट आउट करते हैं उनको सिंटेक्स एरर कहते हैं वैसे तो सारे एरर्स बताते हैं कंपाइलर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय कंपाइलर पर्टिकुलरली सिंटेक्स एरर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर हार्डवेयर टेप यानी कि कैसेट हार्डवेयर है वीडियो हार्डवेयर है प्रिंटर नॉट अ हार्डवेयर पूछा है इन्होंने तो ऑप्शन डी इसका सही होगा इन बाइनरी नंबर सिस्टम और रेंज इज फ्रॉम बाइनरी में रेंज का जीरो और वन ही है जीरो टू वन के बीच में तो कोई है ही नहीं हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज व्हाट इज़ द दैगज इक्विवेलेंट ऑफ नाइन सिक्सटीन फोर बिट बाइनरी नंबर अजीब सा दिया है लेफ्ट के फोर अगर हम करेंगे ये क्वेश्चन ही गलत है डियर इसमें पता क्या होना चाहिए था ये दो जो है ये बाइनरी नोटेशन होनी चाहिए थी ग्रेस मांगो ठीक है बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन बी है वन जीरो जीरो वन स्टार्टिंग के जो फोर है है ना एम एस वी एल एस बी आपने सुना होगा ना तो इधर लेफ्ट साइड वाले जो है बट इसका ग्रेस हंड्रेड परसेंट मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन निकलते वन वन ज़ीरो जीरो बाई इट रेडिक्स में होना चाहिए था आसकी कोड इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग मोर देन एक सौ अट्ठाईस कैरेक्टर होते हैं चौंसठ से ज़्यादा ज़्यादा सॉफ्टवेयर रिक्वायर टू रन हार्डवेयर हार्डवेयर को डिटेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर को ड्राइवर कहते हैं विच इज द वोलेटाइल मेमोरी रैम है ना वोलेटाइल का मतलब होता है वोल्टेज हो तो डाटा स्टोर नहीं तो डिलीट बी एल एस आई फोर्थ जनरेशन का है एंड विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडर्म की जरूरत होती है जंक मेल को स्पैम कहते हैं कंप्यूटर बूट ही नहीं करेगा ये सारे क्वेश्चन बताए हुए हमें जब इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा ऑप्शन सी एनालॉग कंप्यूटर में कभी भी सिग्नल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है है ना क्योंकि वो एनालॉग है एनालॉग फॉर्म में प्रेशर वेट टेम्परेचर चाहिए उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट ही नहीं होगा उसका मॉडल ही वैसा होता है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एंटायर प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज एज अ वन गो कंपाइलर एक एक लाइन में इंटरप्रेटर करते हैं कन्वर्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर सिंपल सी बात है इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करना डाउनलोडिंग कहते हैं आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पे चीज़ उसको अपलोड कहते हैं फिलहाल इसका आंसर तो ऑप्शन ये है मलेशियस सॉफ्टवेयर को मैलवेयर कहते हैं राइट द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा उसको हम कंप्यूटर में सिंटेक्स कहते हैं डैश इज़ द फिजिकल पाथ उसको हम मीडियम कहते हैं मतलब जिसके थ्रू डाटा ट्रेवल करता है ट्रांसपोर्ट लेयर डील्स विद या ये होता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन फोर्थ लेयर है ये राइट मल्टीप्लेक्सिंग सर्किट स्विचिंग टेक्निक है आपने टी सुना होगा एफ सुना होगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये सर्किट स्विचिंग की है विच इज नॉट अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ओ एप्लीकेशन की मुझे लगता है टी नहीं है राइट right? एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है 199 नाइनटी नाइन अ प्रोग्राम दैट इज़ एम्प्लॉयड इन डेवलपमेंट रिपेयर और इन्हेंसमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज यूटिलिटी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते है ना किसी की अपलिफ्टमेंट के लिए जैसे आपके सिस्टम को स्पीड अप करना है मेमोरी फ्री करना है आप जैसे क्लीन मास्टर आपके फ़ोन में होता है तो वो मेरे हिसाब से यूटिलिटी लास्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस पिछले गली आपको बताया था इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटेग्रेटर एंड कैलकुलेटर अगर ये फास्ट गो में कोई त्रुटि हो गलती हो सो रियली आप सेशन अच्छा लगा एनालिसिस अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स या स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ यार शेयर करो इंप्रूवमेंट के स्कोप्स हैं प्लीज़ डू एड अ कमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय फॉर नाउ टेक केयर